ई रिक्शा चालक यूनियन की तरफ से पटियाला के फवारा चौक में जाम लगाया गया। मामला डीजल ऑटो यूनियन के साथ चल रहे विवाद को लेकर है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मामले की जानकारी देते हुए रिक्शा चालक यूनियन के प्रधान रमेश कुमार मट्टू ने बताया कि डीजल ऑटो चालक यूनियन ई रिक्शा चालकों को सवारी नहीं उठाने देते। रमेश कुमार ने बताया कि जगह जगह डीजल ऑटो चालक यूनियन ने अपने यूनियन बनाए हुए हैं। ये सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। आज भी हमारी एक महिला ई रिक्शा चालक के साथ बदतमीजी की गयी। साथ ही साथ एक और रिक्शा चालक ने बताया कि हमारी गाड़ियों को रोककर दूसरी यूनियन वाले सवारियां उतार लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। जी, मेरा नाम रमेश कुमार मट्टू है जी। मैं ई रिक्शा का प्रधान हाँ जी, बैटरी यूनियन का। तो साढ़े नाल ही डीजल वाले बहुत ज़्यादा धक्का करते हैं जी। असी दसो कितने जाइए? असी दो लख रुपए दड्डिया ले रखी हैं। असी वो कर्जा भी तारना है। सानू जिथे डीजल वाले देखते हैं उत्थे रोक लेंगे। चार ऑटो जिथे ला देंगे उत्थे कह देंगे साड़ी उरे यूनियन है जी, असं उधर सवारी नहीं चकन देंगे। साड़ी चाबियां कढ़ लैंदे आ, थप्पड़ मार दिंदे आ, ओह मुंडियां दे जिहदे भी देखदे आ थप्पड़ मार के कह दिंदे आ, ओह सवारी थल्ले तार लैंदे आ, कह दिंदे आ जाओ जिहदे मर्जी कोल चले जाओ, असीं नहीं सवारी चकन देंदे। ओह सरेआम गुंडागर्दी चल रही है साढ़े नाल। साडी प्रशासन नूं हत्थ जोड़ के बेनती आ कि साडी सुनवाई की जाए। असीं रिक्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा बेनती कर रहे हैं असीं डी सी साहब नूं। किन्नी की ई रिक्शा चलदी ने पटियाला? साडी ई रिक्शा घट्टो घट्ट 1500 ई रिक्शा आए जी। 1500 रिक्शा का तुम हिसाब ला लो कि हर घर जी एक वर्कर किन्ने किन्ने बंदे आ, उन्होंने ढिड पल रहे जी सब का। हाँ जी, असी उन्हों का भी मुद्दा चकांगे जी। उस मुंडिया का उन्होंने भी मुंडिया के बेचारे के नजायज़ परचे पाई गए, उन्होंने नजायज़ मारिया गया मुंडिया। उन्हों की पहले प्रशासन ने यह देखिया भी की गलबात हुई है। वो मुंडे के सट देखी है भी क्यों बजी, किस वजह नाल बजी सट मुंडे के, है वो मुंडे के निशान देखा जाए। हुण वो बकायदा वो मुंडिया नूं रिमांड ते लिया गया, तीन दिन का रिमांड होर लिया गया मुंडिया का। असी हाथ जोड़ के बेनती है जी, असी डी सी साहब नूं बार बार रिक्वेस्ट करांगे भी सानूं सारी सुनवाई की जाए। साडे बच्चे जिहड़े अंदर गए हुए हैं उन्हां उत्ते साडी वापसी लई जाए। उन्होंने अज्ज साडी डीजल वालिया के खिलाफ साडा धरना है जी। अज्ज भी साडी इक लेडी सी आ, उन्होंने गलत बोलिया गया, उन्होंने चाबी कढ़ी गई। उन्होंने कहिंदे तू गाल क्या कहां मैं हुण तुहानूं कि सारे सुन रहे हैं ये, ठीक है ना जी। और साड़ी हुण लेडीज़ वो बेचारी अपने किसी के घर वाले हैगे हैं, किसी के नहीं है, वो जानगे कितने लेडीज़ ये दसो पहला। सानू प्रशासन नूं साडी हाथ जोड़ के यही बेनती आ, असी प्रशासन तो बाहर जा नहीं जा सकते। असी प्रशासन नूं नाल लेके चलना है, नाल लेके ही चलते रहांगे। दिक्कत यही आ रही है जी, सानू सवारी नहीं चक्कन देंदे। साडी गड्डी की चाबी कढ लैंदे आ। मेरी परसों यूनीवर्सिटी विच भी ऐं होई सी, इहनां नाल बहस। यूनियन तो असी सवारी चकदे हैं, सवारी की मर्जी है, जिथों मर्जी बैठे ये कह दें जी ये साड़ी यूनियन है। 10 टैंपू खड़ी करके सवारी तार लें, सवारी नूं तां कुछ कहिंदे नहीं, सानू बोलदे आ उल्टा सीधा। साड़ी गड्डी दी चाबी सानू ये कहा जाए, जां तां इहनां दी यूनियन खत्म की जाए जी, जां कहिंदे ने इहनां नूं बुला के साडे नाल गलबात कराओ भी सवारी जिथे होया जिथे मर्जी चक्की आ, असीं कोई रोक टोक नहीं है। हाँ जी, डीजल जां बंद करके बंद कर दो उहनूं, जे सरकार कहिंदी है बंद कर दो। सरकार ने तो 2 साल हो गए ऐलान किया भी ये बंद होने चाहिए। प्रदूषण फैलेगा, बीमारियां बढ़नगियां। वो धरना ये धरना उन्होंने खिलाफ है जी, सानू सवारी नहीं चक्कन देंगे। हाँ जी, साडा ये भी काले टैंपू वाले यूनियन है, सानू सवारी का रोकन ना। असी जिथों मर्जी चक्कीए, जिथे मर्जी जाइए, जिथे मर्जी आईए, सानू कोई रोक टोक ना हो। सवारी की मर्जी है, जिथे मर्जी जे काले टैंपू च बैठ दी नहीं, काले च बैठे सवारी कोई चक्कर नहीं सानू, पर उन्होंने हक के हिसाब न बैठा जाए। वहीं पी सिटी वन हेमंत शर्मा ने बताया कि इन दोनों यूनियन के विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि इन दोनों यूनियन में पहले भी झगड़ा हुआ, जिसको लेकर एक पक्ष पर मामला भी दर्ज किया गया। अज गुरपुरब का जो नगर कीर्तन है ये निकल रहा है, ई रिक्शा वाले की कोई प्रॉब्लम आई है हले, इन्हों परसों का टाइम दिता है। इन्होंने मेरी पहली रिक्वेस्ट है भी अज गुरपुरब का वधिया शुभ दिहाड़ा होने करके भी अज जाम नहीं लाना। इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट इनू प्रवान किया, ई रिक्शा जोड़ा सी इतने इन्होंने जाम खोलता है। हूँ गुरपुरब का नगर कीर्तन का पब्लिक आनंद लै रही है, ट्रैफिक नूं असी कटवा रहे हैं। धन्यवाद। इन्हों बुलाया हले, इन्हों की कोई डीजल वाले आटो की आपस के बच्चे इलैक्ट्रॉनिक वालों की इन्हों की कोई प्रॉब्लम है भी, वो इन्हों सवारियां चकते, वो इन्हों की कुछ दिन पहला इन्हों का आपसी तकरारबाजी भी हुई सी, जिस संबंधी मुकदमा दर्ज होया सी। और कोई गल नहीं, इन्हों का बैठ के सॉर्ट आउट हो जूगा, सारा कुछ ठीक है। नहीं, वो हले अंडर प्रोसैस है, अज उन्होंने अदालत पेश करा।
बिल्कुल खुल चुका है, देखो पब्लिक फुल एंजॉय कर रही है नगर कीर्तन का। दोनों यूनियंस के बीच में चल रहे विवाद को लेकर आज ई रिक्शा यूनियन की तरफ से पटियाला के फुआरा चौक पर जाम लगाया गया, जिससे कि आम जनता को भी कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि इनका विवाद कब तक सुलझ पाता है। पटियाला से जसविंदर सैंडी की रिपोर्ट।